विद्यालय नारगा में जितने बच्चों का नामांकन है उस संबंध में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं 25/9/21 से मैं सिर्फ शैक्षणिक प्रभार में हूँ, वित्तीय प्रभार मुझे नहीं मिला है, जिसके चलते विद्यालय का बहुत सारा कार्य हम संपादित नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। रह गई बात नामांकन से संबंधित, तो यहाँ लगभग 1-8 में 1007 बच्चा नामांकित है, 1-8 में सिर्फ। और 9% कोई अगर बात करे तो यहाँ लगभग 223 बच्चा नामांकित है, लेकिन जो अभी वर्तमान सत्र में 9th में मात्र 66 बच्चा का ही जो है नामांकन पंजी पर जिसे पूर्व प्रभारी रहे हैं उस बच्चे का नाम उस पर अंकित किए हुए हैं। और इस ईयर में जो अभी 2022 में जो बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित होंगे उसका मैंने 117 बच्चा का मैं रिजल्ट जो है बनाकर मैं डीओ कार्यालय को समर्पित किया हूँ, लेकिन सभी बच्चा का नामांकन पंजी पर नाम नहीं है। ऐसे स्थिति में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ वो सारे बच्चा को मैं एडमिट कार्ड अपने स्तर से मैं उनको नहीं दे पाऊंगा। इस स्थिति में मैं शब्द और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसे जो पूर्व प्रभारी रहे हैं उस बच्चे के का नामांकन जो नामांकन पंजी मुझे दिया गया है उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि संदर्भ में जो बड़े पदाधिकारी है उनसे आप संपर्क करें या उनके जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें सुधार कराने का आप हमको सहयोग करें। धन्यवाद। जो बताए हैं कि हमसे पूर्व वाले प्रचार महोदय के द्वारा रजिस्टरमेंट नहीं किया गया है, ये सूचना हम लोग आज आप दे रहे हैं सभा के माध्यम से, आप प्रभार में आए हैं जब से और उसका आपको सरकारी यदि बात आई है तो आपका प्रथम धर्म होगा कि भाई विभाग को लिखे समझे कि भाई हमारे यहाँ नामांकित बच्चे इतना है, परीक्षा में हम लोग बचने वाले हैं जिनका नाम तक रहा है, नाम रजिस्टर में नहीं है और उन लोग भविष्य में उनका भविष्य खराब हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। तो मैं अपने स्तर से आप सूचना ले लिए हैं तो मेरे समझ से आप गलत किए हैं। तो पहले आपको सारी गतिविधि की जानकारी पहले जनता के बीच में रख देनी चाहिए, हमारे समाज के बीच में रख देनी चाहिए, तब आपको चार्ज देना चाहिए। जब आप चार्ज लिए, जैसे अभी चुनाव हुआ है हम चार्ज लेंगे पूर्व मुखिया से, हमारे वार्ड चार्ज लेंगे पूर्व वार्ड से, तो सारी रेखा रुखा के बाद ही चार्ज लेंगे। जो कोई अगर गड़बड़ी थी तो फिर आप चार्ज लिए तो उस समय समाज को जानकारी देते, लगभग चार्ज लिए हुए भी आपको काफी समय हो गया है, तो कम से कम पहले जानकारी दिए रहते तो समाज के कुछ बुजुर्ग लोग बैठकर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बैठकर इस बात पे चर्चा करते और अगले पदाधिकारी से बात किए होते। अब समय बच गया है, लास्ट 5-7 दिन समय बचा हुआ है और आप जो बच्चा मैट्रिक में जिसका एडमिशन है उसको उसका नाम डीबीटी में आप नहीं भेजे हैं, जैसा आप खुद हमको जानकारी दी है डीबीटी में नहीं भेजे हैं, तो डीबीटी में नहीं भेजे हैं तो फिर कैसे उस बच्चा का भविष्य होगा, कभी किसी का नौकरी हो जाएगा तो भी वो खतरे में होगा। और आप चार्ज लिए तो कम से कम इस सारी प्रक्रिया को देख के चार्ज लेते, कभी नहीं लेंगे हम सहायक ही रहेंगे, हम लोग समाज उनसे खोजते, इसलिए अब जो हुआ तो हुआ, समस्या का निदान क्या होगा ये बताइए और निदान में आप ही आगे बढ़ के जाकर अधिकारी से मिल के आइए, हमारे गांव में ऐसा व्यवस्था है समाज हम पर दबाव बना रहे हैं, हमको माने हमारे विद्यालय में ये समस्या है, आप हम जाएंगे उसके पहले आप जाइए अपने संबंधित अधिकारी रणनीतिक बात रखिए, उनको लेके आइए, पीओ को लेके आइए, डीओ को लेके आइए, जिनको लेके आना है आप तो आपका फर्ज बनता है, आप खबर करें हमारे स्कूल में विद्यालय में ये समस्या है और इस समस्या का हल समाज चाहते हैं, हम क्या जवाब दें, आपकी जिम्मेवारी बनती है और अधिकारी के यहाँ जा करके उनसे बात करके समस्या का निदान करें।
माननीय मुखिया जी एक क्वेश्चन और मैं जो है इसमें जुड़े हैं डीबीटी से संबंधित। तो यहाँ लगभग जो है डीबीटी का ऑनलाइन का जो कार्यक्रम है 19-20 से चलता है, तो 19-20 से लगातार 3 प्रभारी प्रधानाध्यापक यहाँ बने। कोई भी जो प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे वो बच्चे को डीबीटी यानी ऑनलाइन करने में अपनी जो है सहभागिता नहीं दिखाए। हम क्योंकि 9वां मंथ से प्रभार में है, 25 तारीख से हम लगातार प्रयास में उन बच्चों को शैक्षणिक विकास में डीबीटी हम लगातार 1-8 में जो है हम लगभग 900 बच्चे को डीबीटी ऑनलाइन करा चुके हैं और लगातार हमें 12 बजे रात तक भी काम करना पड़ रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। और यही बात 9% का, तो 9 का भी मैं 66 बच्चा का जो मुझे नाम नामांकन रजिस्टर से दिया गया है उस बच्चे का भी मैं ऑनलाइन करा दिया। रह गई बात 10th, तो 10th का हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं, तो मैं विदाउट रिकॉर्ड का मैं उनका डीबीटी नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक रह गई इन्फॉर्मेशन की बात, तो मैं इसके लिए बार बार बड़े पदाधिकारी को लिखा भी हूँ, उनकी सूचना भी दी हूँ। जो भी हमारे गांव के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे गणमान्य व्यक्ति हैं, हमसे विद्यालय में संपर्क साधे हैं, उनको मैं इस बात से भली भांति मैं अवगत करा रहा हूँ। मैं 10th क्लास के बच्चे का चूंकि नामांकन रजिस्टर में नाम नहीं है, इसलिए मैं उनका डीबीटी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी लगातार इस सत्र में मैं मेरे प्रयास से 400 बच्चे का जो है खाते में पोशाक छात्रवृत्ति का, साइकिल मद का, बच्चिया का जो है खाते में पैसा गया है। और कुछ लोगों को इसके चलते पेट में दर्द भी है, तो मुझे इसके लिए परवाह नहीं है। मैं बच्चे के लगातार शैक्षणिक कार्य के सुधार में प्रयास भी कर रहा हूँ। इसी कड़ी में कुछ लोग जो है मुझे प्रभाव से हटाने के लिए चिट्ठी भी बनवा के लाए हैं। और मैं समाज के बीच कह देना चाहता हूँ कि मुझे प्रभारी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं शिक्षक हूँ, बच्चे का काम करता आया हूँ, करता रहूँगा। और अभी फिलहाल में वर्तमान में जो है उससे हमारे श्री भगवान प्रसाद के नाम से जो है प्रभार के लेकर आया है, उनसे मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप विद्यालय के प्रभार ले लीजिए, लेकिन वह प्रभार नहीं ले रहे हैं। इस पर भी आप लोग विचार करिए कि हम प्रभार क्यों को दे रहे हैं। एक लाइन का अगर डीबीटी में एडमिशन नाम भेजे हैं तो वो ठीक है, वो समस्या है 10th के बच्चा का। जो बच्चा डीबीटी में आप नाम नहीं भेजिएगा उसका तो भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। हाँ, आप एक कह रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, आप टीचर है, ये मत कहिए कि हमको शौक नहीं है प्रधानाध्यापक बनने का। ये भाषा का जो हमारे समाज के बीच में आप नहीं कीजिए। आप लोग अगर नहीं सक्षम है, चाहे शौक नहीं है, तो डायरेक्ट तो आप इस्तीफा दे दीजिए, चाहे शिक्षक बंद रहिए, डायरेक्ट वहाँ के लिए दीजिए, हमको प्रधानाध्यापक बनने का शौक नहीं। लेकिन आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमको शौक नहीं है प्रधानाध्यापक रहने का, ये उचित शब्द नहीं है। आप अगर सक्षम हैं तो विद्यालय चलाइए, सक्षम नहीं हैं तो आप इनको दे दे, आप अपने ऊपर के पदाधिकारी के जा करके इस्तीफा दे सकते हैं, वो निर्णय करेंगे कि हम किनको प्रभार दें। हम ये जवाब नहीं दे सकते हैं, तब हम उस टीचर को दे दीजिए, तो संबंधित पदाधिकारी जानेंगे। अगर आपसे नहीं चल पा रहा है, पीएम के बच्चा का समस्या का समाधान आपसे नहीं हो रहा है, तो हम जनप्रतिनिधि है, हमको जहाँ जाना होगा वहाँ पे जाएंगे, सरकार के पास जाना होगा, कोर्ट में जाना होगा, जाएंगे बच्चों के लिए। लेकिन आपसे अगर सक्षम नहीं है तो आप संबंधित शिक्षा पदाधिकारी को आपसे ऊपर जो है राय लेकर के आप पद से त्याग दे दीजिए। हम सहायक बनना चाहते हैं, हम प्रधानाध्यापक बन के नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप प्रधानाध्यापक बने हैं तो आप बाइज्जत उनका निर्वहन करें अपने पद का, अब बच्चों के भविष्य के लिए अब आगे बढ़कर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बच्चा का भविष्य खराब ना हो, लाइफ खराब ना हो डीबीटी में। अगर हमने हमारी जहाँ जरूरत है हम भी चलेंगे, समाज भी चलने के लिए तैयार है। अब नाम आप जो समय बचा हुआ है वो उन बच्चों का मैट्रिक में जो डीबीटी में एडमिशन नाम नहीं गया है आप भेजवा देते तो बेहतर होगा। अगर आपसे नहीं सक्षम है तो शौक वाली तो बात है नहीं, आप टीचर है इसलिए आपको बनाया गया है, आप बने हैं, आप बनने में कहीं इच्छुक रहे होइएगा, सभी ऑफिस में गए होइएगा, आप लिख के दिए होइएगा, किसी से पैरवी करवाया होइएगा, तब प्रधानाध्यापक बने हैं। ऐसे ही आपको चार्ज तो नहीं दे दिया गया है,
अगर आप सक्षम है तो कीजिए प्रधानाध्यापक जी, या नहीं सक्षम है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आगे के अधिकारी खुद अपना प्रधानाध्यापक खोज लेंगे, विद्यालय कभी चलेगा। बच्चा खराब नहीं होना चाहिए, समाज का है, उनको मैट्रिक में है, उसका डीबीटी में अभी नाम नहीं गया है, मान के चलिए नहीं जाएगा, जो परीक्षा भी दे देंगे उनका कल का भविष्य क्या होगा। हमारा कहने का तात्पर्य नहीं था कि मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग द्वारा बार बार विद्यालय में दबाव बनाया जा रहा है, हम बच्चे के लिए शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं और इसके बावजूद भी हमको वित्तीय प्रभार है नहीं। आप जरा बता समझ सकते हैं कि जिनको वित्तीय प्रभार नहीं होगा इतना बड़ा विद्यालय 1-2 का जो है विद्यालय हम कैसे संचालन करेंगे। लगातार हम बच्चे के शैक्षणिक कार्य करने के लिए अपना मत से मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। रह गई दसवा के डीबीटी की बात, तो मैं उसके लिए भी प्रयास बार बार मैं डीओ से संपर्क में हूँ, डीओ से संपर्क में हूँ, लेकिन जो यहाँ के पूर्व प्रभारी जो हैदर अली हेडमास्टर रहे हैं उस रजिस्टर को क्लोज कर दिए। हमारे साथ समस्या इस बात का है, उस रजिस्टर को बंद कर दिए कि मैं रजिस्टर को वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ बैंक डेट में। और इसके लिए मैं लगातार बड़े पदाधिकारी को लिख रहा हूँ कि बच्चे को एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाएगा। सामूहिक रूप से मैं कुछ गार्जियन को बुला कर भी कहा हूँ कि आपके बच्चे के साथ ये समस्या है, आप लोग बैठिए, इस पर निदान निकलवाइए, पूर्व हेड मास्टर को बुलाइए, उन्हीं से करवाइए और उनको उन पर सिग्नेचर कराइए, आपका समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन एक लाइन में उनसे जो पूर्व प्रभारी हैं, जो प्रधानाध्यापक हैदर अली जी रहे हैं, संपर्क करने के बाद कहते हैं कि वो हेड मास्टर रहेंगे सब में काम करेंगे, आप जाइए अपना काम करिए, वो हेड मास्टर रहेंगे सब में काम करेंगे। तो इस तरह की भाषा का जब उपयोग करते हैं और जब हम बच्चे के शैक्षणिक कार्य के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक को मनोबल टूटेगा कि हम क्यों करेगा। यहाँ के आम सभा में जितने लोग अपने अपने विचार दिए हैं सभी लोग शिक्षा पर सवाल उठाए हैं, जनता नरगा ग्राम वासी का जान रहे हैं कि हमारे विदेश पर क्या स्थिति है, कितने आप खुद बोल रहे हैं कि हमारे विद्यालय में इतना बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन आज उपस्थिति कितने बच्चों को होती है। और विशेष नहीं कहना है, डिस्कस नहीं करना है आपसे, हमको समस्या का निदान, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, चाहे किसी से कोई डिस्कस हमको नहीं करना है। यहाँ पे क्या ऐसी परिस्थिति बन गई थी, यहाँ बच्चा का जो है टेंथ का बच्चा का एग्जाम नहीं होने वाला था, टेस्ट एग्जाम नहीं होने वाला था। मैं मामले को क्लोज कीजिए, हम लोग समाज बैठेंगे इस मामले को क्लोज कीजिए, ऐसे नहीं होगा, हम पता चल रहा है इसका भी एक तरीका है। और हमारे कुछ अधिकारी अभी आप पहुंच रहे हैं, दूसरे जगह हम सब आता वहाँ से उनको आने में हम लोग आ रहे हैं, उनकी बात को भी समझिए और ये हमको ग्राम पंचायत के बात को करना है। और आप अपनी दायित्व को निर्वहन कीजिए, कैसे बच्चों का भविष्य सही होगा इसका निर्वहन कीजिएगा। और समाज भी आपके साथ है, अगर स्कूल में विद्यालय में किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो बाल बनता है समाज को आगे आकर खोजना, समाज खोजेंगे अच्छा कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पाठ्य प्रणाली का क्या व्यवस्था है, वो आपकी जिम्मेवारी है। अगर उसमें कहीं कमी होगी तो समाज आगे बढ़कर खोजेंगे, कोई आपके कार्य नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं है। और ये चाहते हैं कि हमारे ग्राम के बच्चे का भविष्य अच्छा हो, किसी का नियत नहीं है आपको डिस्टर्ब करने का, और कुछ नहीं है इस घर के बच्चा लोगों को बात करेंगे।